स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 50 लास्ट है, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन का ये लास्ट प्रॉब्लम है। कह रहा है कि फाइंड डिवाइड डीएक्स, ये एक इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इस डोमेन पे ये भी फाइंड, ये कंडीशन दी है। और तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो यहाँ सेक है तो थोड़ा सा ये चलो प्रॉपर्टी ये यूज हो सकती है, सेक इनवर्स सेक थीटा, तब हम क्या लिख सकते हैं थीटा। लेकिन हर हाल में इस जगह पर सेक अगर हम ला देते हैं, सेकंड ला देते हैं, सेक ला देते हैं, तब तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी यूज जाएगी, सब ये सब खत्म हो जाए। तो अब देखो अगर वन अपॉन कॉस थीटा बना लिया जाए, वन अपॉन कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो एक स्टेप दिमाग में भी आना चाहिए, एक दिमाग में भी आना चाहिए, दो चीजें तभी आप इसको कर पाओगे। अब इसको कॉस बनाने के लिए सीधी सी बात है, एक फार्मूला पड़े हुए cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला भी। तो तीन स्टेप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, ये सब। तो ये सब चीजें जब आप देखते ही ये सब चीजें दिमाग पर घूमने लगती है, तब आप ये सब पकड़ लिया कि बस भाई ठीक है। इसी तरीके से अगर हम x को cos मान लेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से cos 2 थीटा आएगा, फिर cos को से फिर sec से ये, तो यहां से ऐसे चलेंगे। तो ये सब कब आपको आएगा, आप प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। और हमारा हम जो इनवर्स जो हमने पढ़ाया हुआ है आपको, रिकॉर्डेड वीडियो हमारी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो कैलकुलस पढ़ाने के लिए हमने उसको बहुत शॉर्टकट में पढ़ाया है, तो आप मेरी इनवर्स की पूरी वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो आप देख लीजिए, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स, तो आप एक बात उड़ा लिया कि ऐसे ऐसे कर चलेंगे, तो ठीक है हम कॉस मान लेते हैं इसको। लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो डिफिनीशन कॉस यहाँ डिफिनीशन यूज करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x आ जाएगा, चलो हो गया, वैल्यू पुट करते हैं y is equal to sec इनवर्स 1 अपॉन 2, देखो x स्क्वायर इन x से cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या y is equal to sec इनवर्स 1 अपॉन, देखो फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहता है, तो क्या लिखते हैं cos 2 थीटा, तो यहां पर सीधा सीधा आ गया cos 2 थीटा, ये कहीं क्लास 11 का है फॉर्मूला, y is equal to sec इनवर्स 1 अपॉन cos, ये वाला फॉर्मूला sec थीटा, तो यहां तो हो गया sec, यहां 2 थीटा है तो 2 थीटा। अब देखो ये प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी की वजह से sec इनवर्स sec थीटा रहता है, थीटा हो जाता है, तो यहां आ गया ये खत्म, तो 2 थीटा आ गया, तो y is equal to 2 थीटा, y is equal to 2, और थीटा तो हम लोग यहां निकाल के रखे हैं पहले से, cos इनवर्स x, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट 2x, इसे हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो इसको जब डिफरेंशिएट आप करोगे तो dy dx dx ऑफ y, 2 कोफिशिएंट है, कॉन्स्टेंट है, तो 2 पहले लिख लेंगे, 2 dx ऑफ cos इनवर्स x, इसका भी फार्मूला हमने आपको बताया हुआ है, cos इनवर्स x का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हमने आपको बताया है क्या होता है, तो इसको डिफरेंशिएट किए और सीधा सीधा ये फार्मूला आप जानते हो, 2 अंडर रूट माइनस 1 माइनस लग जाता है, अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया डिवाइड डीएक्स। एक्सरसाइज 5.3 हमने खत्म कर लिया, आपको सब प्रॉब्लम्स बताए हैं,
और हम एनसीईआरटी का हर आर्टिकल आपको बताएंगे और आपको एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, एक भी नहीं छूटेगा। अगर गलती से कोई छूट भी जाता है तब आप कमेंट कर सकते हो, उसमें आप भेज सकते हो, बता सकते हो। वैसे मैं अपनी कोशिश यही करता हूँ कि एक भी प्रॉब्लम ना छूटे, एनसीईआरटी पूरा कवर करूँगा। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए, थोड़ा सा लाइक भी कर दिया कीजिए, जिससे थोड़ा सा मेरा भी मतलब अच्छा लगता है। जब बच्चे लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है। कमेंट किया कीजिए, और थोड़ा मैं चैनल पर नया हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है यूट्यूब पर आए हुए, तो थोड़ी सी आप हेल्प कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा हम आपको पूरी मेहनत पढ़ाएंगे। और ठीक है, आप इसको समझ लीजिए, अब ये ख़त्म हो गया। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे से। थैंक यू।